Yo, what's happening guys? My name is Log. और चपाती भाई ने अपनी बोट तोड़ दी भाई। और ये क्या है भाई, तू कहां से आ रहा है? तो तभी गाइस मैं सोचा था कि मेरी बोट यहां पर पानी के अंदर हिल क्यों नहीं रही है। और ऑलरेडी भाई ये साइड पे क्या लिखा है, 12 टाइम्स टोकन भाई। ये पता नहीं गाइस हम कौन सी दुनिया के अंदर आ चुके हैं। जल्दी कर निकल वहां से भाई, मरवाएगा तुझे। पकड़ी है भाई नीचे से। और चपाती भाई कहां गए? अच्छा पहुंच गए आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी। तो गाइस आज हम यहां पर निकले हैं मिशन के ऊपर। और गाइस हमने सुना है कि इस जंगल के अंदर कुछ खतरनाक खुफिया आइटम्स पड़ी हुई हैं। और ये सामने ये हीरो चपाती भाई ने मुझे बोला कि वहाँ पर कुछ खुफिया आइटम्स था, तभी मैं आया भाई। इसको लगा दूध लेने जा रहे हैं। झूठ बोल रहे भाई मुझे। और एक भाई सामने ये हीरो ब्रांड खड़ा है क्या? ये देखो सामने हीरो ब्रांड को शूट नहीं करना है। क्या कर रहे हो भाई? उसको बड़ी भी नहीं। मेरा तीर का बन एकदम से रेडी है, ठीक है? जल्दी से अगर कोई मसला हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। हेलो सर जी, अरे ये तो स्टीव है भाई। अरे स्टीव अपना आदमी है। हेलो स्टीवन, कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? कैसे हो? ये क्या बोल रहा है भाई? ये कुछ बोल तो है ना। अबे भाई हेलो, मुझे लगता है इसको पता होगा कि हमारा सुपरमैन का बेस कहाँ पर है। ये मेरे को लग रहा है इसको सदमा पहुंचा है। अच्छा तेरे भाई, हेलो भाई, सुपरमैन ने तुझे टपली मारी है क्या? ओके तो ये देख रहा है इस तरफ, लेकिन इस तरफ से तो हम आए हैं भाई, वहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। हमारी वेट यहाँ पर कर रहा था। पागल है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। इस तरफ चलते हैं। और भाई मुझे सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ियों भी दिख रहे हैं भाई। तो आई थिंक गाइस पहाड़ी के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई हिडन चीज हमें मिलेगी, जिससे गाइस हम सुपरमैन के बेस तक पहुंच सके। तू है कहां पर? अरे ये रहा भाई, मैं ऑलरेडी आगे बढ़ रहा हूँ। ओ पहाड़ियों के अंदर यार, कहां पर है तू? माय गॉड भाई, सामने देखो। ओ क्या कर रहा है सामने? देख रहा भाई, मेरे सामने जंगल है भाई। अरे भाई मेरे सामने दो बीकन्स पड़े हुए हैं। तो आई थिंक सामने कुछ ना कुछ डेफिनेटली पहाड़ों के अंदर बना हुआ है। मतलब कि हमें मिल गया, क्योंकि हमें बता कर रखा था किसी ने गाइस के बीकन को फॉलो करना, जहां पर बीकन है आपने वहीं पर जाना है ब्रो। आप पैसे लेकर आए ना, मैं तो साथ में $10 का बिल लेकर आया हूँ, वो भी दो दाने। तो मेरे पास टोटल है $20। और ये पैसे मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर हमारा पंगा हो गया तो मैं $10 देके वहीं पे सारा मामला खत्म कर दूंगा। मतलब रिश्वत देगा सबको ये लोग। हाँ भाई भाई, इसलिए क्योंकि मुझे सुपरमैन की पावर्स चाहिए भाई। अब ये बेस कहाँ पर शुरू कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये बताओ भाई। तो आई थिंक हमें पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना क्योंकि आई थिंक यहाँ पर सुपरमैन की बेस की सिक्योरिटी के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पर खड़ा ही होगा डेफिनेटली। भाई लोग इतने पहाड़ देखे, कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार। और सामने भाई मुझे कुछ वुल भी दिख रही है, अगर मैं थोड़ा सा पास जाके देखूं तो। ओ भाई, अरे ये तो सुपरमैन का लोगो यहाँ पर बना हुआ है और उसके नीचे दो दरवाजे भी हैं। ए भाई मेरी बात सुन, सुपरमैन का बेस है मतलब कि कोई हलवाई की दुकान नहीं है यहाँ पर। पक्का कोई ना कोई ट्रैप्स वगैरह होंगे भाई, हम फंस सकते हैं वहाँ पर। पीछे देखे तो वो देखो भाई, वो पहाड़ी एकदम फ्लैट हो चुकी है। तो आई थिंक उसी दीवार के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैप बना होगा। मैं बाहर बैठकर देख रहा हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ भाई, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। गाइस अगर आप चाहते हो कि चपाती भाई पहले जाए, तो अभी कभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मारूं तेरे को मैं, आपको मारता हूँ भाई। हाँ नहीं मारता, यहाँ पर चौकन्ना रहा भाई। जंगल के अंदर देख रहा हूँ, कोई भी आसपास नहीं है भाई। भाई और ऐसे जंगल के अंदर भाई तीर नहीं मारने भाई, वो हमें सुन लेंगे। Come on! Okay, आ जाओ आ जाओ, क्या हो रहा है भाई? हेलो, मैं आसपास देख रहा हूँ भाई। अरे भाई ऐसे 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 देखते हैं क्या? मैं इतना फास्ट देख रहा हूँ, मेरे को खुद पता ही नहीं लग रहा। और यहाँ पर आइटम फ्रेम्स लगी हुई, तो यहाँ पर है गाइस दो तलवारें यहाँ पर पड़ी हुई है। एक काम करता है, ये ले लेते हैं भाई। तूने कैसे तलवार अपने कंधे के ऊपर डाल के रखी है भाई? भाई मुझे तो एकदम निंजा वाली फीलिंग आ रही है। खतरनाक तलवार मैंने पीछे यहाँ पर रख दिया राजा। अभी दरवाजा खोलते हैं। और ये क्या है? वेलकम टू समवन्स बेस। अबे किसी ना किसी का तो बेस होगा, नाम बताते। आई थिंक सिक्योरिटी फीचर है भाई, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर लिखो सुपरमैन का बेस। ओ अच्छा, तो यहाँ पर अनोनमस एकदम वो बन के रह रहा है। बनता भार, इतना बड़ा सुपरमैन का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर बोल रहा समवन्स बेस। वही तो यार, तो ये क्या लिखा है? बी केयरफुल। ओ भाई काम करता है, ये सिल्वर सोर्ड मैं हाथ के अंदर पकड़ लेता हूँ। और आ जाओ भाई, अभी पहला दरवाजा खोलते हैं। और अंदर इसने भाई जंगल बना के रखा है। और अगर थोड़ा सा सामने जाकर देखें तो यहाँ पर भाई एक छोटा सा ऐसे भाई कमरा जैसा बना हुआ है भाई, कमरे वाला सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं जाते भाई, मर जाएंगे भाई। ये पता नहीं किसका बेस है, सुपरमैन के बेस के अंदर रॉबरी करने से अच्छा पकड़े जाएंगे। अरे भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं भाई, अभी हम पीछे नहीं हट सकते। और आज वो सामने चेस्ट भी पड़ा हुआ है। लॉगी तेरे को पता ना सुपरमैन का पंच कितना खतरनाक है। अरे आप तो खोल ट्रैप, कैसे मैं नहीं खोलूंगा। और ये वो ए भाई मुझे गार्लिक देकर रखी है भाई, लेकिन साथ में मुझे पॉइजन भी दे दिया। ओबे तेरी हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो चुकी है लॉगी, पहले गोल्डन एप्पल खा ले भाई, मरेगा तू। मैं तो भूल गया था कि मेरे पास गोल्डन एप्पल भी है। तो एक काम करता हूं, ये गोल्डन एप्पल मैं पहले यहां पर खा लेता हूं। और मुझे भाई अचानक से मुझे ये एन्चेंटेड वाला भी मिल चुका है। और भाई साइड में देख रहे हो ना, यहाँ पर डिस्पेंसर पड़े हुए हैं और नीचे पड़ी है ट्रिप वायर। और अभी हम इसको डॉच कैसे करें? वो पेंटिंग देख कैसे चमक रही है वो देख। ओ ये अरे वो ग्लिच्ड है भाई, वो एक दूसरे के अंदर जा चुकी है। डिस्पेंसर के अंदर देख ले। अरे ऊपर लेवर भी पड़े हुए हैं, अगर हम इसको खींच के देखे तो वो देखो भाई, ऊपर से कुछ लाइट फ्लिकर हो रही है। तो आई थिंक ऊपर पिस्टन पड़े होंगे। पहले तेरे को आगे जाना, चल। ओके भाई इसके ऊपर जंप मारो। ओके भाई भाई तीर मुझे पड़ गया, लेकिन अच्छा हुआ भाई मुझे कुछ डैमेज तो मिला ही नहीं। कान पट्टी के बिल्कुल टच होके गिर गया। क्या पड़ी मुझे। और अभी यहाँ पर ढेर सारी प्रेशर प्लेट्स पड़ी हुई है।
ये सही है भाई, दोनों पिस्टन यहाँ पर बंद कर दो। रवि हमें करना क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं, अरे यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके खींचूं तो ये पिस्टन ऊपर हो गया, तो आई थिंक इस पेंडिंग के पीछे कुछ ना कुछ होगा। अच्छा नीचे वाला रास्ता खुल चुका है, तो अगर नीचे देखे तो हमारे लिए वहाँ पर पानी तो मार के रखे। और क्या कर रहे हो भाई, मुझे पीछे से मार दिया भाई, मर गया पहले ये बता। बच गया, नीचे पानी पड़ा हुआ है लकली। सुपरमैन ने अपना बेस प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ट्रैप्स ही बना के रखे हैं। ये देखो भाई, सी लैंडन को देखो यहाँ पर कितना ब्लू है भाई, यूजली इतना ब्लू नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई ये सुपरमैन का बेस है, तो उसी के कलर्स के अंदर यहाँ पर लीवर लगा हुआ है। ये लीवर भाई एक काम करते, इसको दबा देते हैं, और इससे हुआ क्या भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ ही होगा। पीछे चल भाई, अरे ये देखो ये दरवाजा खुल चुका है, खोल अंदर जाकर देख, कुछ ना कुछ तो होगा अंदर भाई। हाँ भाई यहाँ पर ऑलरेडी खुल चुका है, तो अगर गाइस इस दरवाजे के पीछे जाए, और तेरी भाई यहाँ पर फिर से मेज आ चुकी है, लेकिन और तेरी भाई भाई आगे मत जाना भाई, आप जाओ भाई, आप जाओ भाई, उसको मार दो, मार दो भाई उसको, मार दो। अरे यहाँ पर स्कल लगा हुआ है, वो भी डायनासोर का, सुपरमैन के पड़ोसी के दादा की फोटो आई, तो डायनासोर का स्कल यहाँ पर लगा हुआ है, और आगे भाई डेड एंड है। वैसे अगर देखा जाए गाइस, सुपरमैन एकदम पढ़ाकू बंदा लग रहा है मेरे को ये वाला, तो यार कितनी किताबें पढ़ता है यार यहाँ पर। वहाँ पर वो फॉसिल्स भी इकट्ठे कर रहा है भाई अपने लिए, क्लिक करो भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एक काम करो, ये सोर्ड में पहले अपने हाथ से हटा लेता हूँ भाई, कमोन 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 भाई। अरे ये देखो भाई, यहाँ पर खुफिया दरवाजा लगा के रखा है भाई, जिंदगी में कभी किसी को पता नहीं लगेगा किताबों के पीछे इन लोगों ने दरवाजा लगा के रखा। तो भाई जैसे मेंशन वाले दरवाजे होते हैं ना भाई, हमेशा लाइब्रेरी के पीछे ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है यार, कहीं यहाँ पर भी लगा था भाई। ये देखो ये वाला तो हमने देखा ही नहीं, तो आई थिंक भाई एक काम करते, सारे बुक शॉप्स के ऊपर क्लिक करो भाई, यहाँ पर हमें और दरवाजे भी मिलेंगे। अरे ये रहा भाई, ये पीछे हम घूम फिर के वापस दूसरी जगह पर आ चुके हैं, मैं न्यू जगह के ऊपर आ चुका हूँ। ये देखो दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है। ओ भाई ये तो मरेगा, एक काम करना भाई, ये दरवाजा बंद कर दो भाई, ताकि पीछे से कोई ना आ जाए, आगे आ जाओ। और सामने देखो भाई यहाँ पर कैसे क्रिस्टल्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर भाई छोटा सा ब्लॉक है यार, पहले मेरे को ये बताओ। वही तो भाई, ये एमरल्ड ब्लॉक एमरल्ड लग रहा है मेरे को भाई, ये एमरल्ड ब्लॉक भाई, मुझे भी लगा कि एमरल्ड ब्लॉक है, लेकिन ये तो भाई यहाँ पर सी लैंडन के साथ उन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो पहले उसको छोड़, पहले यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल, फटा से जंप मार के यहाँ पर आ चुका हूं अनजान सा, तो चेस्ट को खोलते और ये मैं उठा लेता हूँ। गोल्डन एप्पल पड़े हैं, सुपरमैन को गोल्डन एप्पल खाने की क्या जरूरत क्या पड़ी? अरे आई थिंक हमारे लिए यहाँ पर इन्होंने रखे हैं, तो एक काम करते हैं, प्रेशर प्लेट के ऊपर हम आ चुके हैं, और ये हम कहाँ आ गए भाई, ये तो सुपरमैन का खाने पीने की जगह आ चुकी है भाई। आई थिंक यहाँ पर भाई सारे एवेंजर्स बैठकर मीटिंग करते होंगे। ये बेकार सा डायमंड वाला उतारो, और इसको भी पहनो, इसको भी पहनो, और आ जाओ अंदर चलते हैं। और तेरी मतलब कि यहाँ से दरवाजा लगा हुआ था, वैसे घूम के आया इतना सारा। ओके तो गाइस अभी हमारे पास आ चुकी है सुपरमैन की पावर, और मैं ऑलरेडी कितना खतरनाक तरीके से उड़ रहा हूँ। भाई मैं कितनी ऊंची ऊंची, मैं तो क्रिएटिव में आ चुका हूँ, वो तो है। अरे हाँ मैं भी क्रिएटिव के अंदर आ चुका हूँ, एक्चुअली सर्वाइवल के अंदर हूँ। और ये देखो ये बनियान वाला आदमी कौन है? बनियान वाला आदमी एक और भाई, इसको मैं भाई इसके ऊपर हम पावर टेस्ट करते हैं। तो काम करता है भाई, लेफ्ट साइड के ऊपर गाइस हमारी लिखी हुई है पावर, और अगर मैं आर वाली पावर हीट विजन भाई, मारो इसको, वो कमाल वाली पावर भाई, वो बंदा चल के मार गया भाई, वो उसको पड़ी नहीं भाई, पानी के अंदर जा, पानी के अंदर घसे इंसान, मारो भाई मैं और पावर नहीं मार सकता। आई थिंक भाई वो पावर रिचार्ज हो रही है, तो गाइस एक काम करते हैं, जब तक वो पावर रिचार्ज होती है मैं दूसरी पावर मारता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको पहले ठंडा करते हैं अपनी फ्रीज वाली ब्रेथ के साथ। मारियो एफ द एबिलिटी नॉट लर्नड यार भाई, अब ट्रोल हो गए, तेरे को एबिलिटी सीखनी पड़ेगी। लॉग ये काम कर, मैंने अभी पी दबाया, और मैं पी दबाने से एकदम क्रिएटिव मोड में जा चुका हूं। अच्छा एक मिनट मैं भी ट्राई करता हूं। अरे मैं भी क्रिएटिव के अंदर आ चुका हूं, और ये क्या यहां पर करके रखा है? ये देखो पानी के अंदर यहां पर, आई थिंक भाई यहां पर डेफिनेटली थोर आया था भाई, वो यहां पर शायद बदला ले रहा था। ओके चल अब दूसरी पावर लगा, दूसरी पावर से क्या होता है? सबसे पहले आती है भाई फ्रीज ब्रेथ, अगर हम इसको मार दे तो इससे होता क्या है? यहां पर लगी भी नहीं भाई, प्लीज आ जाओ पिक पिक के ऊपर टेस्ट करते हैं। अरे ये देखो ये मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने थोड़े सेकंड्स के लिए पिक को मैंने लिटरली नीला कर दिया, सुबह ठंडे करके मार रहा है ये काम रहा भाई। चबाती भाई का प्लेयर यहाँ पर घूम रहा है भाई, वही कह रहा हूं मेरा प्लेयर कैसे आ सकता है यहाँ पर? अरे भाई इसको मारते, अरे मैंने यहाँ पर एक्स-रे विजन मैंने ऑन कर दिया, और अगर नीचे देखे तो मुझे सारे मॉब्स दिख रहे हैं। अरे भाई ये वाली पावर कितनी जबरदस्त है, और उससे तेरे को हेल्थ भी दिख रही है यहाँ से। ये देखो भाई मुझे सारे स्टैट्स भी दिख रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे वी दबा के टेलीस्कोपिक विजन, रेडी हो ना? वी मैंने यहाँ पर दबा दिया, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जूम देकर रखा है, ये दूरबीन देकर रखी, मतलब ये आंखों में दूरबीन लगा दे लोगों, तो उड़ कैसे रहा है यार तू? भाई मैं क्रिएटिव के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास सुपरमैन की पावर्स हैं। और अगला आता है सोनिक पंच, चपाती भाई क्रिएटिव भाई सर्वाइवल के अंदर जाना, मेरे पास इस पिक के ऊपर टेस्ट करते हैं, आज आप पिक कहीं के भाई कैसे हो? ओके तो जी मैंने दबा दिया, और अभी करना है वो बोत दे रही, ये क्या था? सारे बंदे मर गए, दोनों मर गए, और अचानक से बारिश भी शुरू हो चुकी।
किया है। अभी लगी सोनिक पंच मार इन सब के ऊपर। रेडी हो ना, पट से है चोट और सबको पड़ी लेकिन एक भी नहीं मरा भाई। लेकिन वैसे सही है, सारे धुआं के सारे उड़ के भाग के वहां पर ही सबको लिटरली यहां पर नॉक पैक मिल चुका है। और मारो भाई, आप भी मारो, तू मारना पहले को पंच मार। अरे भाई ये बड़ी सही पावर है। अबे ये क्या कर दिया, और मैंने न्यूक मार दिया भाई यहाँ पर। अरे ये कैसे मारा, मुझे भी सिखाओ। मेरे को पता नहीं, मैं रैंडमली कीबोर्ड के ऊपर बटन दबाया, सारे न्यूक निकल गया। अगर मैं एक मिनट भाई, अगर मैं जेड दबा के देखूं तो वो भाई, अबे बंद कर, मेरी गेम क्रैश हो रही है भाई यहाँ पर। इतनी भाई ये मेरी सबसे फेवरेट पावर थी। अभी लोगे मैं नीचे बहुत सारे पिगलिंग समन कर रहा हूं और तू ने इसके ऊपर मार दिया न्यूक वाली पावर। हां ठीक है, मैं रेडी हूं ना। ओके रेडी हो? ओके अभी मैं जेड अगर दबा के देखूं तो वो येलो भाई, वो अबे सारे मर गए, कहां गए सारे। हेलो, ये वाली पावर तो हमें एंडर ड्रैगन के ऊपर यूज करनी है। चल वापस रेड के अंदर पहुंच। ओया लेट्स गो। ओके लॉग ही, ये रहा एंडर ड्रैगन। हां रेडी हो ना, तो ये लो भाई, ये मरेगा आज। तो 3 2 1 और ये ले भाई, वो वो मरा ही नहीं। अबे ये ट्रोल हो गए भाई, खतरनाक। पूरी एंड डिस्ट्रॉय होगी लेकिन एंडर ड्रैगन नहीं मरा भाई। तो भाई अरे एंडरमैन कैसे पागल हो रहे हैं यार। अरे यार वो भाग गया यार। अबे यार मैंने एक्सरे वाली पावर यहां पर मार दी गलती से। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।